पीरियोडिक मोशन की स्पेशल कैटेगरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हमने ये देखा कि कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फिर हमने ये देखा कि कोई भी बॉडी अगर एस एच एम में या पीरियोडिक मोशन में है तो वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वी का फॉर्मूला है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा, ये हमने लास्ट टाइम देखा। फिर हमने देखा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, या ए साइन ओमेगा टी को लिख सकते हैं वाई, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और वो विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब है कि अगर आप किसी भी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती हो वाई, तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वापस आने की, वापस आने के लिए साइन क्या लगा, नेगेटिव, रिस्टोर जिसको बोलते हैं, रिस्टोर करने की जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब सिस्टम में क्या होना जरूरी है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स है तो वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मीन एक्सेलरेशन के आगे साइन नेगेटिव लगेगा। तो जिन सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्सेज होती हैं और जिनमें एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई का फॉर्मूला फॉलो करती हैं, ये इक्वेशन फॉलो करती हैं, वो पीरियोडिक मोशन को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन है उसका ये फॉर्मूला, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, इसमें साइन की वैल्यू वन, और हमने देखा मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या था, ए इंटू ओमेगा का स्क्वायर, तो ए ओमेगा स्क्वायर, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। ठीक, इसके बाद हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन क्या आई, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ एक्सेलरेशन की, तो मैग्नीट्यूड के लिए एक्सेलरेशन क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए बाई वाई। ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा, टू पाई अंडर रूट ऑफ वाई बाई ए। तो एक जनरलाइज इक्वेशन है, कोई भी बॉडी अगर एस एच एम में या कोई भी बॉडी एस एच एम में है, उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, बस ये एक ये चीज पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें ये रिप्रेजेंटेशन या ये कुछ गिवन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, कोई भी बॉडी एस एच एम में तब होगी जब वो टू एंड फ्रो मूव करती है अबाउट इट्स मीन पोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स होना जरूरी है, अंडरलाइन कर सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, तो ऐसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, एस एच एम। जैसे एग्जाम्पल है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, चलो स्प्रिंग के साथ मास लगा हुआ है और वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है मान लो। तो अगर वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो उसकी जो फोर्स है रिस्टोरिंग वो क्या होती है, माइनस के वाई। मान लो आपने स्प्रिंग को वाई खींचा, तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी डेवलप हो जाएगी, माइनस के वाई। फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास नीचे आ गया, तो मास नीचे आ गया तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम किसमें है, इन एस एच एम। एग्जाम्पल दे रहा है कि वो एस एच एम में हो जाएगा, और अगर वो एस एच एम में हो जाएगा तो ऐसा करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख सकते हो यहां पर माइनस के बाई एम इंटू वाई। तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम किसमें हो गया, इन एस एच एम। और एस एच एम की इक्वेशन जो मैंने आपको करवाई वो क्या करवाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर आप इन्हें कंपेयर कर लें तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी टू पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई के। तो लिख लो कि कोई भी अगर मास स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है तो उसका जो टाइम पीरियड है एक चक्कर का जाना और आना, उसका फॉर्मूला टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम बाई के। ठीक, इसे लिख सकते हो।
तो नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM. देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM है उसमें क्या बताया गया कि आप डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे. कैसे? ये इक्वेशन SHM की है, प्रूव्ड है. आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो ये भी इक्वेशन SHM की प्रूव्ड है. तो मतलब आप इक्वेशन ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है. और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? डबल डेरिवेटिव ऑफ y. तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी? SHM. और नीचे वाला पोर्शन हमने कर लिया. अभी मैंने प्रूव किया स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के, वेयर एम इज नोन एज इनर्शिया फैक्टर, क्योंकि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, और के स्प्रिंग कांस्टेंट फैक्टर है. तो बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM है. यहां तक हमने सारा कर लिया. इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ SHM के साथ रिलेटेड. पहली इंपॉर्टेंट टर्म है हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है. जो भी बॉडी SHM में मूव करे, चाहे वो पेंडुलम हो, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम का मास हो, चाहे कोई भी बॉडी SHM में हो, उस बॉडी को क्या कहा जाता है? हार्मोनिक ऑसिलेटर. नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट है ऑसिलेशन या साइकिल क्या होता है. एक चक्कर को क्या बोलते हैं? एक ऑसिलेशन या एक साइकिल, आना और जाना. नेक्स्ट है टाइम पीरियड क्या होता है. एक आने और जाने के टाइम पीरियड को टाइम पीरियड बोलते हैं. इसका सिंबल क्या होता है? बड़ा टी, कैपिटल टी इज सिंबल ऑफ टाइम पीरियड, छोटा टी नहीं, बड़ा टी. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाय टाइम पीरियड. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टाइम पीरियड. तो ये सारे फॉर्मूलास हमने ऑलरेडी किए हुए हैं. क्लियर है यहां तक?